बॉलीवुड में इस समय अगर शाहरुख सलमान की केमिस्ट्री को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। अब एक इंटरव्यू में रणवीर ने अपने स्टारडम में रणबीर कपूर के रोल पर बात की। दरअसल रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात पहले रणबीर कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन रणबीर ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। इसके बाद यशराज को फिल्म के लिए एक नया लड़का चाहिए था। रणवीर ने बताया कि मैं 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैंने अपना चेहरा बचा कर रखा था। ना ही मैंने मॉडलिंग की और ना ही कोई एड फिल्म। बस एक दिन मुझे यशराज से कॉल आया और फिर मेरी किस्मत बदल गई। हालांकि इस शहर में मैंने जो कुछ भी पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है। अगर आज मेरे पास स्टारडम है तो मैंने उसे हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। गौरतलब है कि बैंड बाजा बारात आने के पहले इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं थी, लेकिन रणवीर अनुष्का ने हौले हौले सबको अपना दीवाना बना दिया। फिल्म में सब कुछ नया था, स्टोरी, रोमांस, दोस्ती, एक्टर और डायरेक्टर। फिल्म के रिलीज होते ही केवल इस फिल्म के ही चर्चे थे। इस एक फिल्म ने भारत का पूरा शादी सिस्टम बदल डाला। फिल्म के रिलीज होते ही ये तय हो गया था कि सुपरस्टार्स की गद्दी अब हिलने वाली है। इतना ही नहीं, फिल्म में शादी को भी इतने ताज़ा अंदाज में परोसा गया कि लोगों का शादी करने और करवाने का भी मन कर गया। तो अनुष्का और रणवीर बड़े हैं भाई अंदाज में सिखा गए ये 10 बातें जो आपको भी गांठ बांध लेनी चाहिए। बैंड बाजा बारात के रूल्स, इन्फ्लेशन हो या रिसेशन, शादियां कभी नहीं रुकती। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो याद रखिए कि ये शादी का बिजनेस सबसे बड़ा है भाई। दुनिया इधर की उधर हो जाए न तो लोग शादी करना छोड़ेंगे और न ही शादियों पर खर्च। रणवीर और अनुष्का का बिजनेस प्लान बहुत ही रॉकिंग था। बिल्कुल कम खर्च में बिजनेस सेट करके उसे अकल के साथ ऊंचाई पर पहुंचाना। इसलिए कहते हैं MBA करने से कुछ नहीं होता, बिजनेस तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही चलता है। बिजनेस का पहला उसूल है कि जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। ये रूल तोड़ा कि आपकी जिंदगी में बवाल मचना तय है। हालांकि सेक इन हाफ में रूल टूट आता है, पर उसूल थोड़ा गलत था। दरअसल जिसके साथ प्यार करो उसके साथ व्यापार न करो। भाई वेटेज आदमी की जबान में होना चाहिए। इसलिए ब्रेड पकौड़े की कसम खाओ या पिज्जा बर्गर की, किसी को की फर्क पैदा है। इसलिए रणवीर भी अनुष्का को ब्रेड पकौड़े की कसम खाकर पटा लेते हैं। रणवीर अनुष्का एक बहुत बड़ी वेडिंग प्लानर को चैलेंज करते हैं कि मार्केट में मिलेंगे तो भाई अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बनाएंगे तो दुकान चलने का सवाल ही नहीं उठता। और एक बार चैलेंज कर दिया तो पूरा का। रणवीर और अनुष्का साथ में सेलिब्रेट करते हैं, फिर दोनों में कुछ कुछ की जगह बहुत कुछ हो जाता है। हालांकि सारी गलती दारू की रहती है, पर अनुष्का को रणवीर से प्यार हो जाता है तो दारू में दोस्ती मिक्स करना बैड आइडिया है। श्रुति को बिट्टू से आधा इश्क होता है, पर अण में जाकर वो पूरा हो ही जाता है। और इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस प्यार को जाने मत दो, पकड़ कर रखो इग्नोर करके। श्रुति और बिट्टू ने ये भी सिखाया कि पर्सनल झगड़े को प्रोटेक्शन में नहीं लाना चाहिए। दोनों साथ में कितने सक्सेसफुल थे, पर अलग होते ही बैंड बज गया। हालांकि दोनों ने पर्सनली को हटाकर वापस बिल्कुल प्रोफेशनली काम किया, कुछ सीखा। श्रुति और बिट्टू का बिंदासपन ही फिल्म की TRP है और लाइफ की भी। आप भी कभी हैं वही लूट कर देखो, बड़ा मजा आएगा। छोटे छोटे मोमेंट्स भी एंजॉय कर लेने चाहिए।